चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे और मुतमईन भी होंगे, क्योंकि मुतमईन होना बहुत जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज का ये जो व्लॉग है वो आपने टाइटल से देख लिया है कि क्या होने जा रहा है। जिंदगी में पहली दफा मूवी देखने के लिए जा रहा है शहजाद सत्तार, ठीक है, और इस मेरा साथ देंगे ये कौन है बे, आसिम अली। हाय बोल दो मेरे ऑडियंस को। हाय। और जनाब हे तो ऑडियंस ये मेरा साथ देंगे आसिम भाई, और हम देखने के लिए जा रहे हैं जिंदगी में पहली दफा सिनेमा में मूवी। मेरी पहली दफा होगी, भाई ने पहले भी काफी दफा देखी हुई है, तो फिर भाई साथ देंगे और भाई को थोड़ा बहुत पता भी है किस तरह देखते हैं। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, देख दे अखा ना लिया, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन और किस तरह देखने। ये कह रहा है सही नहीं बन रही, ठीक है, ये कह रहा है सही नहीं बन रही, ठीक है, मुझे पता है ये सही नहीं, ये कह रहा है सही नहीं बन रही, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे सही बन रही है कि नहीं। हम चलते हैं आगे और हमारा सफर स्टार्ट होता है यहाँ से, ये हमारी बाइक है, हमारा सफर होता है यहाँ से स्टार्ट और हम अब जाते हैं सिनेमा की जानिब, चलते हैं। रफ से इंट्रो के बाद ये रही हमारी बाइक जिस पर हम जाएंगे सिनेमा हॉल शो देखने। ओए होए, हमारा सफर हो गया है शुरू और ये है नेहर रोड। लाहौरी इस रोड की अहमियत को बखूबी जानते हैं और आसम भाई साथ हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हम खामोश हों। जब आप किसी के साथ फुल फ्री हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो हल्ला गुल्ला तो होगा। ओए होए होए, रास्ते में हमें नज़र आई फॉर्चूनर, मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक। बाज़ लोगों का कहना है कि इसका सिर्फ शशका ही है, फंक्शन दूसरी गाड़ियों की निस्बत बहुत कम है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि शशका तो है ना। बात तो सही है। शाह काम फ्लाईओवर के बाद करने लगे हैं बस स्टे किया है रास्ते में हम, क्योंकि वजह ये है कि आसम भाई लंडे की जैकेटें देखना शुरू हो गए हैं, इसलिए थोड़ा स्टे किया है यहाँ पे। अब इसने जरूर मुझसे पूछना है कि कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, इन्हें नाला दे बांध ले। आसम भाई मुख्तलिफ जैकेटें ट्राई करते हुए, लैनी है ने कोई नहीं है तो देख लेना, एंड देने अभी जाना है, लैनी नहीं कोई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये मैं अभी कह रहा हूँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन अब पहले कह रहा हूँ लैनी नहीं, जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। टाइम जाया करके फिर हम आगे जाएंगे। Now we are wasting our time here in a very small Landa। और फिर आसम भाई ने जिद करके आखिरकार जैकेट ले ही ली, क्योंकि उनका कहना था कि हर किसी को नहीं मिलता अच्छा माल लंडे से। और इस सजी हुई गाड़ी को देखकर मुझ और मेरे दोस्त में जो बातें हुई वो मैं नहीं बताऊंगा। सफर जारी है, बाज लोगों के नजदीक ये ख्वारी है, मगर हमारे लिए आज ये सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है। कि ये चलो जो भी है, लेकिन वेख के मजा आया है। ले जी, हम दाखिल हो गए हैं सिनेमा हॉल और हमें रिसीव किया है हमारे एक दोस्त ने, और हम बैठने ही लगे थे कि आसम भाई ने कहा ले जी मुंह हाथ धोने के बाद हम बैठ गए हैं वेटिंग एरिया में, और जो शो हम देखने के लिए आए थे वो लगने में अभी कुछ देर बाकी है। कुछ देर बैठने के बाद हमारे दोस्त ने कहा आओ तुम्हें हाल दिखाता हूँ। हमने भी कहा जरूर, क्यों नहीं मेरी जान। इसी हाल में हम अपना शो देखेंगे, मगर जब ये खत्म होगा फिर हम बाहर आ गए और क्या देखते हैं, गैर महरम औरतों के पास खड़ा हुआ आसम। जब तक हम इंतजार कर रहे थे तो दोस्त ने कहा कि आओ आपको दूसरा हाल दिखाता हूँ, जो बिल्कुल खाली था और काफी बड़ा था। यहाँ पर हमारे दोस्त ने नई आने वाली एक फिल्म का ट्रेलर दिखाया। और हम जो शो देखने के लिए आए हैं वो है ये, जिसका नाम है गुंजल।
और ये इसी हफ्ते रिलीज हुई है। ले जी हमारा शो हो गया है स्टार्ट, मगर यहाँ भी पहले से देखा हुआ ट्रेलर दिखाया गया। उसके बाद हमने देखी गुंजल मूवी, जो कि पाकिस्तानी फिल्म है और इसी हफ्ते रिलीज हुई है, जो कि सहाफ़ती जिम्मेदारियों के गिर्द घूमती है। फिल्म ख़त्म हुई और बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा, और इतनी आतशज़दा कुर्सियां एक साथ देखने का मौका भी मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस दोस्त का जिसने हमारी मेज़बानी की, और इसके साथ साथ आप सबका भी शुक्रिया क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी। और अब आपने एक काम करना है, नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।